हम लोग का सुनेंगे बहुत सुंदर एक तेर का, सिर्फ एक तेर का तो सुनेंगे आप। ये गाथा बताए हैं अरहंत सारिपुत्त बंते जी। अगर वो सीलवान है तो बहुत अच्छी तरह होश में रहने के लिए निरंतर प्रयास करने वाला है तो, और अगर वो सीलवान है तो अच्छी तरह हमेशा होश में रहने के लिए प्रयास करने वाला है तो अपना मन में आने वाले कई प्रकार के विचारों को पालन करके ध्यान भी कर रहा है तो बिना विलंब बिना देर होते हुए धर्म पे आचरण भी करेगा तो निरंतर भावना में ध्यान में रत हो गया तो, यानी कि भावना में आसक्त हो गया तो, उनका मन समाधि है तो एकांत वास में रहने के लिए मन है तो उनको कहता है भिक्षु। उनको क्या कहता है? भिक्षु। सीलवान है तो अच्छी तरह होश में रहने के लिए प्रयास करेगा तो मन में आने वाले कई प्रकार की विकारों को पालन करके ध्यान करेगा तो बिना देर होते हुए धर्म पे आचरण करेगा तो ध्यान भावना में रत होके रह गया तो मन भी समाधिमान है तो एकांत वास में रहने में पसंद है तो उनको ही कहा जाता है भिक्षु। जो भोजन करता है वो बिगा हुआ चीज हो सकता है या सूखा चीज हो सकता है, सीमा से लिमिट से ज्यादा नहीं लेता है, पेट में जगह भी रख देता है। उसी प्रकार भिक्षु जीवन बिताना चाहिए, सीमा सहित भोजन लेके रहना चाहिए योनिसो मनसिकार से। चार पांच पिंड को बिना खाके उस जगह पे पानी पीना चाहिए, यानी कि पूरा पेट भरना चाहिए। चार पांच बार खाता है ना, वैसा जगह छोड़ना चाहिए पानी पीने के लिए। निर्वाण में मन लगाए हुए वीर्यवान भिक्षु को वो बहुत आसान है, वो करने से बहुत आसान लग रहा है। शरीर का बंद करने का जगह होता है, वो बंद करने के लिए अपने लिए चीवर मिल गया तो निर्वाण में लगे हुए वीर्यवान भिक्षु को तो अच्छा लगता है। ध्यान साधना में बैठने के बाद दोनों घुटने बारिश से नहीं भींगेगा तो वैसा कुटिया भी निर्वाण में लगे हुए वीर्यवान भिक्षु को बहुत आरामदायक है। कैसा कुटिया? देखिए सारिपुत्त मंदिर बोल रहे हैं, ऐसे बैठते हैं ना, बैठने का दोनों घुटने नहीं भींगना चाहिए, यानी कुटिया कितना बड़ा है, यहाँ से लेके वहां तक छोटा कुटिया। वो भी कैसे बात है, कुटिया लेते हैं सिर्फ बैठने के लिए, तीन खागड़ा डालता है दीवार में, खागड़ा डाल दिया बैठ गया। आश्चर्य ना, जो कोई सुख वेदना दुख प्रकार से देखेगा तो, सुख वेदना दुख जैसा देखेंगे तो, दुख वेदना तीर जैसा देखेंगे, तीर मतलब मारता है ना, तीर जैसा देखेंगे तो जो दुख रहित है, दुख रहित वेदना पे मोह नहीं होगा तो
वो कैसे इस दुनिया में बंधन हो जाएगा, यानी कि सुख वेदना, दुख वेदना, उपेक्षा वेदना में वो नहीं अटकेगा तो वो दुनिया में बंधन नहीं होता है। सुख वेदना देखना चाहिए दुख जैसा, दुख वेदना को देखना चाहिए तीर जैसा, उपेक्षा वेदना को देखना चाहिए उपेक्षा वेदना पे मोहित नहीं होगा तो, फंसेगा नहीं है तो वो दुनिया बंधन नहीं हो सकता है। देखिए इसका एक सुंदर, जिसके पास पापी इच्छा हो, कम वीर्य हो, कम हीन वीर्य मतलब तो थोड़ा वीर्य है, धर्म का जानकार भी नहीं है, जिनके पास आदर गौरव सत्कार भी नहीं है, उनके साथ मेरा संग कभी ना हो। उनके साथ संगत करके, संगत करने के कारण दुनिया को क्या फायदा होगा, कुछ कल्याण नहीं है। मगर जो कोई बहुत धर्म की जानकार जिसके पास है तो, ज्ञान भी है तो, शीलवान है तो, समाधिवान मन है तो, मन शांत करने के लिए प्रयास करने वाला है तो, वो उत्तम महापुरुष मेरा सिर पर विराजमान हो। किन किन को बोल रहे हैं? जो बहुत धर्म जानते, सद्धर्म बहुत जानते हैं, ज्ञान भी है, ज्ञान मतलब योनिसु मनसिकार करता है, सीलवान है और ध्यान करके मन भी समाधि में लाया है, मन को शांत करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहता है, वो उत्तम पुरुष मेरा सिर पर विराजमान हो। कौन बताए? सारभूत बनते जी। हमेशा मिथ्या संकल्पना में रहते हुए, मिथ्या संकल्पना क्या है? काम संकल्प, काम संकल्प तो पांच काम के बारे में सोच सोच के रहना, व्यापाद वितर्क यानी कि नाराज के बारे में मन खेलते रहना, विहिंसा वितर्क दूसरों को परेशान दिलाने के बारे में मन करते रहना, ये मिथ्या संकल्पना। ये मिथ्या संकल्पना में रह के, मिथ्या संकल्पना में ही साठ कर जंगली जानवर जैसा रहने वाले व्यक्ति को ये सांसारिक दुख खत्म करने वाले अमृत निर्वाण छूट जाता है उसी आदमी से। किससे? हमेशा गलत संकल्पना में रह गया तो काम और व्यापाद विहिंसा उसी में ही सट गया तो जंगली जानवर जैसा उसी प्रकार रहेंगे। जंगली जानवर मतलब जंगली जानवर एकदम जो मन में तो करते रहता है ना, एकदम सुधरा नहीं तोड़ा, वो उनसे निर्वाण की रास्ता छूट जाता है। लेकिन जो कोई मिथ्या संकल्प को हटा के अलग अलग प्रकार की चीज मनन नहीं करके रह गया तो अलग अलग प्रकार जो मन में आता है सोच के रहता है, कोई डांट लिया उसके बारे में मनन, अच्छा बोलो उसके बारे में मनन, कोई जो मन में आते मनन करते रह गया तो, मनन नहीं करेगा तो प्रपंच रहित, प्रपंच मतलब प्रपंच रहित, रहित मतलब नन है ना, प्रपंच मतलब मन में आता है ना उसको मनन करना प्रपंच। ज्यादा प्रपंच वाले लोगों को ध्यान नहीं कर सकता है, प्रपंच वाले लोग कौन है, बहुत मन जो मन में आता है मन मनोलोक में रहता है ना, मनोलोक में मन की दुनिया में रहते हैं, यानी कि ऐसे 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 कहीं जाकर किताब पढ़ना शुरू किया तो किताब पढ़ फिर ऐसे अपने आप हो जाते, फिर सोच के बहुत मजा आ रहा है प्रपंच। समाधि में बहुत मन मुश्किल लाना, प्रपंच नहीं है तो
समत एवं विपस्सना में रत हुए रह गया तो उनको सांसारिक दुख खत्म करने वाली अमृत निर्वाण मिल जाता है। गांव में या आश्रम में या नीच जगह पे या तो फिर पहाड़ों में किसी भी जगह अगर अरहंत लोग विराजमान है तो वो धरती बहुत ही सुंदर है। क्लेश गंदगी में पंचकाम संपत्ति में सटे हुए रत हुए कामी जनता जनता लोग पंचकाम में सटे हुए कामी जनता लोग आश्रम सेनासन आरण्य में पसंद नहीं करते हैं। कौन नहीं पसंद करते आश्रम मंदिरों में, मंदिर मतलब जहाँ जंगल है शांत रहते हैं। पांच गांव में रहने लगे आप लोग मन को पसंद करते हैं नहीं करते हैं। लेकिन जो लोग पांच काम को खोजता नहीं है वैसा वीतरागी मुनि लोगों को वो आश्रम बहुत ही सुंदर लगता है। वे लोग उसी जगह पे बहुत पसंद भी करते हैं। खजाना निकाल के दिखाना जैसा, देखिए कुछ भी गलती देख लिया तो उस गलती को दिखाने वाले तथा गलती पर डांटने वाले ज्ञानी लोगों के साथ संगत करना चाहिए। कौन किसके साथ संगत करना चाहिए? ज्ञानी लोगों। मतलब डिटेल से खजाना आराम से बैठे देख रहे बहुत महंगी खजाने को निकाल कर दिखाने वाली व्यक्ति जैसा। कैसे दिखाता है खजाना? अरे लो वो खजाना ले लो, ऐसे दिखाता है ये खजाना, ये इतना संपत्ति सब आपके लिए, ऐसे करके पूरा ध्यान देख बताता है ना। वो ऐसा थोड़ा सा गलती देख ले तुरंत बताता है। आप ऐसा गलती करते हैं आप बहुत पछताना पड़ेगा। जानते हैं जैसा छोटा छोटा गलती से बड़ा बड़ा बहुत कुछ होता है, ऐसे करके बहुत समझाता है ना वही। और उसी गलती को डांटने वाले ज्ञानी लोगों ज्ञानी उत्तम लोगों के साथ संगत करना चाहिए। ऐसा ज्ञानी उत्तम लोगों के साथ संगत करने से सिर्फ फायदा होता है, कभी घाटा नहीं होता है। अवाद करना चाहिए, अवाद मतलब उपदेश देना चाहिए, अनुशासना भी करना चाहिए और गंदगी से अपना मन को बचाना भी चाहिए। वो व्यक्ति सत्पुरुष लोगों को बहुत प्रिय होता है, असत्पुरुष लोग को प्रिय नहीं है। देखिए आप लोग अभी आश्रम के अनुसार जीवन बिताते हैं लेकिन आप गांव वालों को पसंद नहीं है ना, प्रिय नहीं है आप, घर के लोग प्रिय नहीं है, असत पुरुष है। लेकिन देखिए श्रीलंका से लोग आते हैं मामले में, आप लोग देखिए कोई कोई मामले रोते हैं, कितना अच्छे बोलते हैं कि वो सब पुरुष हैं। उस दिन धर्म की आंखें वाले तथागत भगवान बुद्ध और किसी को प्रवचन दे रहे थे, दूसरा किसी को प्रवचन दे रहे थे। तथागत की उपदेश का मतलब समझने के लिए मैं भी ध्यान से उस ज्ञान को सुन रहे थे। मेरा वो धर्म की सुनना फालतू नहीं हुआ, सारे आश्रय को खत्म करके सभी दुख से मुक्त होने का भाग्य मुझे भी मिला। इसका मतलब सूकर खातर एक गुफा है राजगिरी में, उस गुफा में किन को तो भगवान को प्रवचन दे रहे थे, सारे को तो भगवान को हवा होक रहे थे। तो हवा होकते होकते उस प्रवचन पे ध्यान लगा के योनि से मनस कर रहा था, उस समय अर्हत प्राप्त की।
देखिए ये बात, हम पुब्बे निवासानुसति ज्ञान को कभी खोज के नहीं रहा पिछले जन्म जन्म देखने वाले, हम दिव्य चाक्षु को प्राप्त करने के बारे में भी नहीं खोजा, तथा दूसरों के मन को देखने के लिए भी मेरा मन को इच्छा नहीं था, रिद्धि सिद्धि पाने का मन भी मेरा पास नहीं था। चतुपात ज्ञान पाने के बारे में, दिव्य स्रोत ज्ञान को पाने के बारे में मुझे कोई जरूरत है ही नहीं था। इसका मतलब क्या जरूरत था? राग दे तुमको मिटाना। वर्तमान में बहुत सारे ध्यान करते करते सोचता है ना, मन समाधि में आ गया तो पहला ध्यान दूसरे ध्यान में, हमको भी आसमान में जाने का मौका देते एक टाइम आ जाएगा, पासपोर्ट बन गया तो। तो देखिये अरहंत सारभूत बंध की ऐसा कोई आशा नहीं है। बाह को मुंड, सिर को मुंड करके चीवर पहनकर पेड़ों के नीचे जाके ध्यान करते हैं कौन? प्रज्ञा से परिपूर्ण अरहंत उपतिष्ठ बनते जी। तथागत भगवान बुद्ध श्रावक वो भिक्षु ध्यान में आ गया है, उसको कहता है आर्य मौन, मतलब हाँ चीर पहन के ध्यान करते रहता है, वो है उपतिष्ठ बांते जी। उपतिष्ठ बांते जी कौन है? सारभूत बांते जी ही होता है। अच्छा से जमीन को पकड़ के रहने वाले पत्थर का पर्वत हिलेगा नहीं हिलता, वैसे ही मोह को जो खत्म किया है वो भिक्षु बिना हिल के रहता है पर्वत जैसा। ऐसे है तो हम लोग को तंग करने वाली मेन चीज क्या है? मोह। जिसके पास क्लेश नहीं है, गंदगी नहीं है, वो व्यक्ति हमेशा पवित्रता को खोज के रहता है। बाल के किनारे में लटके हुए छोटा चीज जैसा, इतना छोटा गलती भी बहुत बड़ा बादल जैसा उनको दिखाई देता है। मृत्यु के बारे में मुझे कोई पसंद भी नहीं है, जीवन बिताने के बारे में भी मेरा कोई इच्छा नहीं है। अच्छा से होश में रह के, अच्छा प्रज्ञा से हम इस शरीर को छोड़ देंगे। मृत्यु के बारे में मुझे कोई पसंद इच्छा नहीं है, जीवन के बारे में मुझे कोई इच्छा नहीं है। महीने का सैलरी इंतजार करने वाले व्यक्ति जैसा मैं भी परिनिर्वाण को इंतजार करके रहता हूँ। आगे तथा पीछे हर तरह सिर्फ मृत्यु ही दिखाई देता है, बिना मृत्यु नहीं, सिर्फ मृत्यु दिखाई देता है आगे पीछे। इसीलिए सिर्फ आरष्टांगिक मार्ग ही प्रयास करना चाहिए, आप लोग कभी नष्ट ना हो। ये उत्तम मौका आप अपने हाथों से छूटने मत दीजिए, अपने जीवन धर्म से सुरक्षा कर लीजिए। जैसे में अंदर एवं बाहर अच्छे से सुरक्षा किया हुआ नगर जैसा, शहर जैसा, ये उत्तम मौका छूटने मत दीजिए। ये उत्तम मौका जिसका हाथों से छूट गया है, वो सारे के सारे लोग नरक में जन्म लेके दुख
भोग लिए भोग रहे हैं। उपशांत होना चाहिए, उपशांत मतलब शांत होना चाहिए, गलती से बचना चाहिए। कैसे? ज्ञान योनिसो मानसिकार करना चाहिए, एक बूंदा भी घमंड नहीं होना चाहिए, वो भिक्षु को पाप साफ हटा सकता है। कैसे पाप को हटा सकता है? पका हुआ पत्ता हवा से हटाना जैसा पाप को हटा देता है। पका हुआ पत्ता नॉर्मल ऐसे रहता है ना, थोड़ा हवा निकल तुरंत हट जाता है, वैसा पाप को हटाता है। उपशांत होकर क्लेश पीड़ा गंदगी को हटाकर प्रसन्न मन से अचंचल मन से उत्तम गुण धर्म वाले ये भिक्षु को सारे दुख खत्म कर सकता है। कोई कोई गृहस्थ लोगों के बारे में तथा कोई कोई जो चीवर पहने उन लोगों के बारे में विश्वास नहीं करना चाहिए। वे लोग का कोई कोई समय में अच्छा है और कोई समय में बुरा है, कोई कोई समय अच्छा है और कोई समय और बुरा है। पंच काम की इच्छा, गुस्सा, नींद, आलसी, मन का पछताना तथा भटकना, सक यानी कि पंच निवरण, ये पांच कारण हर एक व्यक्ति का मन को खत्म कर देता है। लेकिन अप्रमाद होते हुए धर्म की रास्ता पे आचरण करने वाले, अप्रमाद होते हुए धर्म की रास्ता पे जाएगा तो जाकर के समाधि पा लिया तो वो समाधि सत्कार सम्मान और असत्कार निंदा बदनाम के सामने हिलता नहीं है। समाधि है तो हमेशा ध्यान करने वाले बहुत छोटा छोटा महीन महीन चीज को अपना दृष्टि से मनन करके समझने वाले, बिना बंधन के जो है उनको कहता है, उसी भिक्षु को कहता है सत्पुरुष। महासागर, धरती, कैलाश पर्वत तथा हवा, ये कुछ भी तथागत भगवान बुद्ध ने जो दिखाया उत्तम निर्वाण की मार्ग, उसके लिए उदाहरण नहीं बना सकता है। महाज्ञान वाले, समाधि मन वाले तथागत भगवान बुद्ध के धर्म चक्र उसी प्रकार ही चलाने वाले अरहंत सारगुप्त भक्त जी, धरती जैसा है, खान जैसा है, आग जैसा है, कोई भी चीज पे आसक्त भी नहीं होता है, घृणा भी नहीं होता है, प्रज्ञा पारमिता संपूर्ण हो गया, महाबुद्धिमान है, होश में रहते हैं, मन शांत हो गया है, वो भिक्षु हमेशा आचरण करता है कुछ भी नहीं जानने वाले व्यक्ति जैसा, यानी कुछ नहीं जानता वैसा आचरण करता है। कौन? प्रज्ञा आगे था बढ़ा दिया है, बहुत बड़ा बुद्धि भी है, हमेशा होश में रहता है, मन भी ठंडा हो गया, वैसा भिक्षु रहता है कैसे? अनपढ़ जैसा, अज्ञान जैसा। मैं भी इसके बाद बताएं, एक के साथ संगत किया तो महाब्रह्म जी के समान है, अगर दो गो के साथ रह गया तो देवताओं जैसा है, तीन साथ रह गया तो गांव जैसा, उससे ज्यादा हो गया तो झगड़ा है। मैं भी तथागत भगवान बुद्ध जी को गौरव से संगत किया, मैं भी बुद्ध शासन को संपूर्ण किया, क्लेश गंदगी का बाहर हटा दिया, सारे भव बंधन को तोड़ दिया। आप भी बिना देर होते हुए
आरेष्टांगिक मार्ग में ही जाइए, मैं मुझे सिर्फ यही कहना है और कुछ नहीं। सारे भाव से मुक्त होने के बाद मैं अभी परिनिर्वाण होने के लिए कोई इंतजार कर रहा हूँ। ये अर्हत सार बुद्ध बात।